भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। मिश्र जनवरी के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर जहर दिए जाने की घटना का खुलासा किया। साथ ही मिश्रा ने भारत सरकार से इस हमले की जांच की मांग की है। वहीं डॉक्टर मिश्र ने सोशल मीडिया पर इसे तंत्र की मदद से किया गया अंतर्राष्ट्रीय हमला बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो और इसके वैज्ञानिक आगे बढ़े और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाए। मिश्र ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की रहस्यमयी मौत का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। वहीं तपन मिश्र ने बताया कि उन्होंने बहुत दिन तक इसे रहस्य रखा, कई तरह की चुनौतियों को देखते हुए अब इसे सार्वजनिक करना पड़ रहा है। पहली बार 23 मई 2017 को बेंगलुरु मुख्यालय में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान आर्सेनिक ट्रायऑक्साइड दिया था। तपन मिश्र ने बताया लंच के बाद के नाश्ते में उन्हें डोसे के साथ दी गई चटनी में जहर मिलाकर दिया गया था। मुझे लंच अच्छा नहीं लगा, इसलिए चटनी के साथ थोड़ा सा डोसा खाया। इस कारण केमिकल पेट में नहीं टिका। हालांकि इसके असर से 2 साल बहुत ब्लीडिंग हुई। शीर्ष वैज्ञानिक ने बताया कि दूसरा हमला चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 2 दिन पहले हुआ। 12 जुलाई 2019 को हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश हुई। हालांकि NSG अफसर की सजगता से जान बच गई। मेरे हाई सिक्योरिटी वाले घर में सुरंग बनाकर जहरीले सांप छोड़े। तीसरी बार सितंबर 2020 में और सैनिक देकर मारने की कोशिश हुई। इसके बाद मुझे सांस की गंभीर बीमारी, फुंसिया, चमड़ी निकलना, न्यूरोलॉजिकल और फंगल इन्फेक्शन समस्याएं होने लगी। उन्होंने कहा कि ये हमले किसी आम इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का उद्देश्य सैन्य और कमर्शियल महत्व के सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने वाले वैज्ञानिकों को निशाना बनाना या रास्ते से हटाना होता है। मैंने अपनी पीड़ा सीनियर से कही, पूर्व चेयरमैन किरण कुमार ने सुना, लेकिन डॉक्टर कस्तूरी रंगन और माधवन नायर ने नहीं। इसके बाद भी हत्या की कोशिशें जारी रही। उन्होंने अपील की कि देश मुझे और मेरे परिवार को बचा ले।